मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है, पानी पीते रहे बीच बीच में। क्यों पीते रहे? वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो लेकिन शरीर के पेट में जो अम्ल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है, वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं। ये तो सतत अम्ल को रिलीज करता ही रहता है, और पेट में जो अम्ल है वो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, खराब अम्लों में उसकी गिनती मानी जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेट में ज्यादा है, तो ये तो रिलीज होता ही रहेगा। अब ये रिलीज होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए, खाना आप खाएंगे नहीं लेकिन इसका रिलीज होना रुकेगा नहीं, क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति और भगवान के कंट्रोल में है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहे तो ये जो HCL है ये डाइल्यूट होके पेशाब के रास्ते निकलता रहे तो हानि नहीं पहुंचाएगा, और अगर आपने पानी नहीं पिया उपवास में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतड़ियों को जला डालेगा, आंतों को जला डालेगा, तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे और तब आप शायद परेशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए, क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता, एक बार डैमेज हुआ परमानेंट तो रिपेयरिंग नहीं होता, तो फिर आपको क्या होगा, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, घाव बन जाएगा आंतों में, और फिर वो इतनी खराब स्थिति में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आंतें काट के निकालो, तो ये मत करिए। वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो 7 दिन 3 समय का भोजन किया है, 7 दिन माने 6 दिन, तो 7वें दिन आप 1 दिन उपवास करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पी पी के उपवास करिए। मतलब ये है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, निर्जला उपवास मत करिए। अब हमारे यहां कई जगह मैंने देखा दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार 7 दिन निर्जला उपवास करते हैं, 7 दिन लगातार, वो तकलीफ देगा आपको। आप करते हैं भक्ति भाव से बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरिक रूप से, वो ठीक नहीं है। भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं, शाकाहारी आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं, इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज्यादा लंबा, लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए।